हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दही बड़े बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं, दही बड़े बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम उड़द लिया है, इसे 2 घंटे पानी में भिगो के रख लिया था मैंने। 1 kg दही, 1 बड़े चम्मच धनिया, 1 बड़े चम्मच जीरा कुछ कटी हुई, धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च, 8-10 लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच मैंने ये चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने ये काला नमक लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक लिया है, 8-10 गोलकी मैंने लिया है। अब मैं इस ग्राइंडर में जो मैंने उड़द भिगो के रखा था, अब मैं उसे पीसने के लिए तैयार है, मैं पीसने जा रही हूँ। इसमें मैंने उड़द डाल दिया है, अब ये मैं ये काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी, अब इसे पीसना है। अब मैंने ये उड़द को पीस के पेस्ट बना लिया है, देखिए कुछ इस तरह से होंगे, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है। अब इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच, थोड़ा सा काला नमक 1/2 चम्मच, ये मैंने जो काट के हरी मिर्च रखा था 1, आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो डाल सकते हैं, इसके बदले आप लाल पाउडर मिर्च का भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ये धनिया पत्ता। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसे घोल को ज़्यादा देर तक इस तरह से ना रहने दें, पानी निकलने लगेगा, इसे आप जल्दी से कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लें। ये देखिए मैंने कढ़ाई को मध्यम आंच पर गर्म करने के लिए रखा हुआ है, अब ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सूखी हुई लाल मिर्च, इन सबको मध्यम आंच पर करीब 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये दही में डालना है, उसी का ये मसाला तैयार हो रहा है। देखिए जब ये तैयार होने लगेगा इस तरह से धीरे धीरे, ये खुद ही आवाज़ भी हो रहा है इसमें चटकने की। देखिए अभी ये तैयार हो गया है, ब्राउन हो गया है हल्का, अब गैस को ऑफ कर दो। इसमें से देखिए अब सौंधी हुई खुशबू निकलने लगी है, अब आप इसे ग्राइंड में ठंडा होने के बाद पीस लें। मैंने जो धनिया जीरा मिर्चा भुना था वो मिक्सी में पीसने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप खट्टे दही में अब मिक्स करें। अब मैं दही में भुना हुआ जो अभी तैयार हुआ है उसे डालकर मिक्स कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला। अब इसे डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। बाद में ऊपर से मैं जब दही बड़े इसमें डाल दूंगी, गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से धनिया पत्ता रखे हुए हैं। अब ये पूरी तरह से तैयार है दही का घोल। मैंने जो उड़द का घोल तैयार किया था, अब मैं उसे उसका बड़ा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने मध्यम आंच पे कढ़ाई 5 मिनट गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें ये तेल डाल रही हूँ 100 ग्राम या 150 ग्राम। अब उसे और 5 मिनट के लिए गर्म होने दें। आप इस तरह से देखते रहिए कि नीचे से ये सटे नहीं तो लग जाएगा। एक साइड ये नीचे से पक गया है, अब मैं इसे पलट रही हूँ। आप इसे जो सटा हुआ है आप इसे धीरे धीरे इस तरह से अलग कर ले, वो आराम से हो जाएगा।
जब ये तैयार हो जाए तो उसे ये फोक से बीच बीच में इस तरह से कर दे ताकि आराम से इसमें दही अंदर तक घुल जाए। देखिए एकदम फ्रेश ये निकल रहा है, पूरी तरह से अब ये रेडी है। अब ये बिल्कुल तैयार है, मैं इसे निकाल रही हूँ कढ़ाई में से। ये बन के कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसे नॉर्मल पानी रखी हूँ, अब मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। इसमें डालने से ये नरम हो जाएगा और दही भी कम सोखेगा और अच्छी तरह से दही के अंदर मेल्ट हो जाएगा। इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप इसी तरह से पानी में रहने दें। उसके बाद जो दही का घोल मैंने तैयार किया है उसमें फिर इसे डालेंगे निकाल कर। ये 2 से 3 मिनट हो गया है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करें ताकि पानी निकल जाए। अब इसे दही के घोल में इस तरह से डाल के कम से कम आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। ज़्यादा जोर से ना दबाएं नहीं तो ये टूट जाएगा। अब ये दही बड़ा बनके तैयार है। अब इसे मैं धनिया पत्ता और टमाटो सॉस से गार्निशिंग कर रही हूँ। आप इसके टमाटो सॉस के जगह में आप इमली का भी चटनी यूज कर सकते हैं। ये आप अपने भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए नए व्यंजन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।